साथियों, इस अध्याय का ये दूसरा हिस्सा है, इसके पहले पहला हिस्सा है, उसको जरूर सुने, तभी आप इस सारे चीज को समझ पाएंगे। किंतु वे इसके प्रति प्रमाणिक हैं, इस मिट्टी के ऋणी हैं, क्या वे इस देश जहां उनका पालन पोषण हुआ इसके प्रति कृतज्ञ हैं? क्या वे अनुभव करते हैं कि वे इस देश और उसकी परंपराओं की संतति हैं? उसकी सेवा करना उनके भाग्य की धन्यता है। क्या उसकी सेवा करना वे अपना कर्तव्य मानते हैं? और हमें देखते हैं कि धर्म परिवर्तन के साथ उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना समाप्त हो गई है। यही नहीं, जो हमारे देश के शत्रु हैं उनके साथ उनकी अनुभूति विकसित हो गई है और वे अपनी पवित्र भूमि के रूप में अन्य देशों की ओर देखने लगे हैं। वे अपने को शेख और सैयद कहते हैं। शेख और सैयद तो अरब की जातियां हैं और वे लोग इस तरीके से अनुभव करने लगे हैं कि वे उनके वंशज हैं, इसलिए उन्होंने इस देश को अपने आप से काट लिया है और पूर्व जो पारंपरिक सूत्र के बंधन हैं वो टूट गए हैं और वो सोचते हैं कि यहां पर वो अपना राज्य स्थापित करने आए हैं। हमें कहते हैं कि बात केवल धर्म परिवर्तन की नहीं है, इनके राष्ट्रीय तापत्य में, इनकी राष्ट्रीय सोच में भी परिवर्तन आ गया है और इन्होंने अपने मातृ राष्ट्र को छोड़कर शत्रु से मिल जाना क्या राजद्रोह नहीं है? इसके बाद से एक उदाहरण देते कि हम एक अमेरिकी प्रोफेसर से मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आप ये मुसलमानों को अपने राष्ट्र का हिस्सा क्यों नहीं मानते? तो हमने उनसे कहा कि आपके जो पुराने पूर्वज हैं, क्या कोई व्यक्ति यदि उसको अस्वीकार करे तो उसको राष्ट्र का हिस्सा मान सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने उनको कहा जो हमारी राष्ट्रीयत्व है या जो हमारे राष्ट्रीय या पुराने जो हमारे आदर्श हैं, जो उनको नहीं मानेगा तो क्या उनको हम राष्ट्रीय मान सकते हैं? इस तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं और मुसलमानों को और ईसाइयों को इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं मानते। अब हमको साथ ये ध्यान रखना, मैं फिर वही बात करूं कि विकास क्रम में ये हमारे देश के अंदर सारी चीजें पैदा हुई, विकास क्रम में जो पैदा हो जाता वो नष्ट नहीं होता, ये भी वैज्ञानिक एक सच है, वैज्ञानिक तथ्य है। तो इस विकास क्रम में हमारे देश में यहां तक इस्लाम भी पैदा हो गया था और ईसाई भी पैदा हो गए थे, सिख भी पैदा हो गए थे, बौद्ध भी पैदा हो गए थे, जैन भी पैदा हो गए थे। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आज की परिस्थिति में यदि हमें देखते हैं, बौद्ध धर्म हमारे देश से पैदा हुआ और दुनिया के बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म आज है, चीन के अंदर भी है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो चीन के अंदर बौद्ध धर्म वाले हैं वो ये कहें कि ये बौद्ध धर्म तो भारत का है? फिर बौद्ध धर्म वाले हमारे देश के अंदर हमारे देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं? ये सवाल है ना। बौद्ध धर्म तो भारत में पैदा हुआ, गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए। इस थ्योरी से यदि हम ये बात करेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों को भी यही कहना चाहिए कि जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनको भारत जाना चाहिए, या वो हमारे देश के हिस्से नहीं है तो ऐसे दुनिया के देश तो नहीं कह रहे। ये बात समझनी है हमको अच्छी तरीके। इसलिए तार्किक रूप से ये जो बात कहते हैं वो बात सही नहीं है। दूसरा एक सब प्रश्न और खड़ा होता है, वो क्या प्रश्न है? हिंदू ही, जो हिंदू हैं वो दुनिया के सभी देशों में हैं, कोई देश नहीं होगा जहां हिंदू नहीं है। कनाडा है, सिख पूरे दुनिया के देशों में हैं, तो क्या दुनिया के देश इस आधार पर हिंदुओं की राष्ट्रीयता खत्म कर रहे हैं कि ये हिंदू जो है हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है? या हिंदू धर्म का, यदि कोई हिंदू किसी दूसरे देश में जाकर के हिंदू धर्म से रहता है, हिंदू धर्म की पूजा याचना करता है, हिंदू धर्म को मानता है, तो क्या इस आधार पे उस वहाँ का राष्ट्र कहेगा कि ये हमारे राष्ट्र के हिस्से नहीं है? ये बात हमको समझ नहीं है। तो आज यदि ये सवाल दुनिया के राष्ट्र उठाना शुरू कर देंगे तो दुनिया के जो हिंदू हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो वो तो नहीं उठा रहे, मगर हम इस सवाल को जो आरएसएस उठा रहा है, इसलिए आरएसएस के ये सारे सवाल दुनिया के किसी बुद्धिजीवी ने स्वीकार नहीं किए। ये आज़ादी के आंदोलन के समय भी ये थ्योरियों को जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इन थ्योरियों से विवाद ही विवाद है और विकास क्रम के हिसाब से ये थ्योरियां गलत हैं।
जो आगे आज लागू नहीं हो सकती, ये हमको ध्यान रखना है। अगले एक बात और ध्यान रखनी है विचारधारा के रूप में, ये थ्योरी जो है सारी दो जगह लागू हुई थी दुनिया में, एक तो हिटलर ने लागू की थी, दूसरा मुसोलिनी ने लागू की थी। आरएसएस की पूरी थ्योरी है, ये सारी थ्योरी को हिटलर ने लागू किया था और इसी थ्योरी के आधार पर उसने यहूदियों का कत्लेआम किया था, क्योंकि यहूदी विदेशी थे, उस देश की नस्ल नहीं थे, उनका धर्म भी विदेशी था। मुसोलिनी का और हिटलर का खात्मा 1945 में हो गया। हिटलर ने खुद को आत्महत्या करके मारा और मुसोलिनी को वहां की देश की जनता ने मार दिया। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसलिए ये जो विचार था फांसीवादी विचार, जिसकी परिकल्पना आरएसएस की है, आरएसएस की सारी थ्योरियां, पूरी थ्योरियां ये हिटलर की थ्योरियों की कॉपी है। इसलिए इस तरीके का जो विचार था वो दुनिया से नष्ट हो गया, दुनिया से खत्म हो गया। और जर्मनी ने भी सुधार किया और इटली ने भी सुधार किया। धर्म आधारित राष्ट्र की व्यवस्था आने वाले समय में दुनिया में नष्ट होगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है, ये हमको विकास क्रम समझाता है। अगला हेडिंग आता है पोषण नहीं वरन संस्कृति का महत्व। इसके अंदर फिर वही कहते हैं कि जो यहाँ पैदा हुए, जिनका यहाँ पालन पोषण हुआ, जो इस धरती में पैदा हुए, इसका महत्व नहीं है, संस्कृति का महत्व है। अगली हेडिंग आती है दास्ता को उतार फेंकने का आह्वान, और यहां से वो ये आह्वान करते हैं कि मुसलमान जो ईसाई हैं उनको ये करना चाहिए कि जो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, ईसाई धर्म को अपना लिया है, ये धर्म विदेशी धरती पर पैदा हुए हैं, इसलिए ये विदेशी धरती की जो दास्ता स्वीकार कर ली है, इस दास्ता को उतार फेंको, यानी आप मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म को छोड़ दो, उस संस्कृति को छोड़ दो और वापस अपना हिंदू धर्म संस्कृति के साथ शामिल हो जाओ, हिंदू धर्म संस्कृति के साथ जुड़ जाओ। दूसरा वो इसके अंदर ये कहते हैं कि जो मुसलमान हैं जितनी संख्या में आज हैं या ईसाई हैं, इतनी संख्या में मुसलमान पैदा नहीं हुए, धर्म परिवर्तन लोगों ने किया है, धर्म परिवर्तन करके लोग मुसलमान और ईसाई बने हैं, और धर्म परिवर्तन लोगों ने लालसा में किया, प्रलोभन में किया, सत्ता के लालच में किया। और वो कहते हैं कि जब धर्म परिवर्तन किया तो ये धर्म का परिवर्तन भनी था, ये राष्ट्र का परिवर्तन था या संस्कृति का परिवर्तन था। उनके कहने के आधार पर है कि अगर कोई मुसलमान बन गया तो वो अरब देश का हो गया, या कोई ईसाई बन गया तो जो ईसाई देश हैं उन देशों का हो गया, और हिंदुत्व की जो भावना है, इस भूमि का जो हिंदू दर्शन है उससे अलग हो गया, यानी वो उसने राष्ट्र बदल लिया। इस आधार पर वो कहते हैं कि हमने बहुत सालों से इसको झेला है, इसलिए हम ये आह्वान कर रहे हैं कि जो ये विदेशी दास्ता है, जो लोग भटके हुए हैं, भटक गए थे, वो पुनः वापस आ जाएं, पुनः हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर वापस आ जाएं और अपने समाज में वापस लौट आएं। और जब ये अपने समाज में वापस लौटेंगे तो हम दिवाली का पर्व मनाएंगे। और उसके बाद एक प्रार्थना और है, जैसी लौट के आए तो वो अपने जीवन के अंदर धर्म और संस्कृति के साथ परिधान, रीतियां, भवन निर्माण, विवाह उत्सव एवं मृत्यु संस्कार आदि हिंदू जीवन पद्धति से करें उसको। आगे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान और ईसाइयों ने राजनीतिक एकता कायम कर ली है, तो कहते हैं कि जब हमने राजनीतिक और आर्थिक एकता कायम कर ली है तो ये जो पुरानी एकता है इसको भी कायम करें। और अंत में कहते हैं कि निसंशय यही व्यापक दृष्टिकोण है, यही सही दृष्टिकोण है। ये साथी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही, वो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं, मगर साथी इसमें हमको ये समझना है थोड़ा सा कि हमारा जो 70 साल का विकास क्रम है उसके अलावा 1990 के बाद खुले रूप से एक वैश्वीकरण का माहौल बन गया आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, कि हमारे देश के अंदर दुनिया के सारे पूंजीपति को आह्वान कर रहे हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी। और ये भी समझना है हमको कि आरएसएस का भी चरित्र बदल गया है, और हम ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस का चरित्र यही था मगर हम समझ नहीं पाते थे, मगर आज समझ सकते हैं। जो अरब देश हैं, अरब देशों के पूंजीपति जो हैं
उनके लिए हजारों एकड़ जमीन देने को तैयार हैं। यहाँ जो पूंजीपति भी ईसाई धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, उन पूंजीपतियों के लिए यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन को देने को यही आरएसएस की सरकार तैयार है। और हम ये जानते हैं कि जिस भूमि पर किसी विदेशी कंपनी का कब्जा होता है, वो भूमि उस विदेशी कंपनी की होती है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हमने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया है। तो ये बात हमको समझ, एक तरफ ये स्वरूप है और दूसरी तरफ ये आरएसएस धार्मिक रूप से बात करता है कि आप जो धर्म है उसको छोड़ दो, इसी धर्म में आ जाओ। और ये भी समझना है कि जब अर्थव्यवस्था बदलती, मार्क्स ने समझाया है कि जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, जो अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी के जो टूल होते हैं, वही समाज की संरचना को तय करते हैं, समाज की संरचना को बदलते हैं। इसलिए जिस तरीके का जो दुनिया का माहौल है, दुनिया का कल्चर भी हमारे पास आ रहा है, दुनिया की संस्कृति भी हमारे पास आ रही है जो पश्चिमी देशों का है, तो आज हमने सब कुछ खोल दिया है, फिर भी आज हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि जो विकास क्रम के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ जो राष्ट्रों की कल्पना, लोकतांत्रिक राष्ट्र और ये पूंजीवादी जो व्यवस्था का समाज पैदा हुआ है, या समाजवादी व्यवस्था का जो समाज पैदा हुआ है राजाशाही व्यवस्था खत्म होने के बाद, इस व्यवस्था की जो खुली अर्थव्यवस्था है, खुली जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करें। समाजवादी व्यवस्था में तो राष्ट्र को खत्म कर दिया, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया है। तो जो नई विचारधाराएं पैदा हुई हैं, राष्ट्र या समाज आने वाले समय में नए विचारों के आधार पर बनेंगे, नए विचारों के आधार पर चलेंगे, इस बात को हमको ध्यान रखना। ये पुरानों के हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए पुराना जो सोच है, समझ है, विचार, ये आज की तारीख में तार्किक रूप से लागू नहीं हो सकता। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। अगली हेडिंग है कि पराक्रमवाद को पुनः जीवित करो। इसके अंदर वही समझाते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हिंदू दर्शन है, हिंदू राष्ट्र है, इसको मानो, इसको समझो और इसको पाने के लिए, इसकी तरफ जाने के लिए अपने मन के अंदर पराक्रम पैदा करो, इस तरीके की भावना को समझा रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की एक किताब को कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास के विकास क्रम में एक समय था जब यमनों का, हूणों का आक्रमण हुआ था, और उस समय जो यमन और हूण जो विदेशों से आए थे वो यहीं की संस्कृति में पल बस गए थे, वो उनको फिर राजपूत कहा गया। ये राजपूत ध्यान रखना कि राजपूत वर्ण संकर संतानें हैं, राजपूत वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं है। ये राजपूत छठी शताब्दी में पैदा हुए थे, इस बात को ध्यान रखना है। तो उसको कोट करते हैं कि जो राजपूत हैं ये विदेशी थे, ये विदेशी लोगों ने हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनको इस धरती का हिस्सा मान लिया गया, इस धरती का पुत्र मान लिया गया, तब कि ये हैं विदेशी। इसलिए वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस धर्म संस्कृति को स्वीकार कर लिया तो दोबारा जो हमारे देश में विदेशी आए हैं, विदेशी विचार आए हैं, उनको भी हमारी जो धर्म संस्कृति के विचार है उनको स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आगे वो समझाते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम आए, इस्लामों के सामने हमने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आत्मसमर्पण तो कर दिया, राजपूतों ने कर दिया था, उसके बाद से उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और इसके आगे कहते हैं जो दो व्यवस्थाएं थीं अलग अलग, ये बहुत ही दुखद रहा कि जो दूसरी व्यवस्था थी उसको लोगों ने आत्मसात किया, उसको सही कहा, और जो पहली व्यवस्था थी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था उसको उस रूप में स्वीकार नहीं किया। और फिर वो किस तरीके से जो हिंदू थे वो मुसलमान बन गए, इस तरीके से कुछ उदाहरण देते हैं वो। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक बार हमको पुनः परिक्रमवाद पैदा करना है और उस पूरे उस विचार को पुनर्जीवित करना है। और फिर यही कहते हैं कि इसके बाद हमको जो इस्लाम जिन्होंने स्वीकार लिया है, ईसाई धर्म जिन्होंने स्वीकार लिया है, उनको फिर यही धर्म स्वीकारना चाहिए, इसी संस्कृति को स्वीकारना चाहिए, यही सही एकीकरण होगा। इसके बाद वो कहते हैं कुछ पारसी आए थे, जब उनके ऊपर हमले हुए थे तो वहाँ से वो गुजरात में पहुँच गए, उसके बाद से उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया,
गौ माता का सम्मान करने लगे, गौ मास का भक्षण बंद कर दिया और यहाँ की राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में विलीन हो गए। इसी तरीके से मुसलमानों को और ईसाइयों को भी मुख्य धारा में विलीन होना चाहिए। आगे कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की यही हमारी कल्पना है, हम इसी तरीके का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और यही हमारा भाव है जो अहिंदू हैं और हमारे देश के अंदर निवास कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि इससे अधिक तर्कसंगत, व्यवहारिक और उचित समाधान अन्य कुछ नहीं हो सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है मुसलमान और ईसाई नागरिकों के लिए, अस्तित्व के लिए चुनौती है, वे निकाल बाहर किए जाएंगे, उनका उन्मूलन किया जाएगा। ये बात हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण है और यह तो हमारी जो महान और सर्वग्राही सांस्कृतिक दाय का अपमान है। इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। और आखिरी में उनका वही है कि जो उन्होंने बताया, ये चाहते हैं वो मुसलमानों को, ईसाइयों को देश से नहीं निकालना चाहते। और ख़ास तौर से जो सावरकर का ही हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि या तो इनको देश छोड़ देना चाहिए या हमारे रहमो करम पे जिंदा रहना चाहिए और इनको देश का नागरिक नहीं माना जा सकता, इनको देश के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान नहीं की जा सकती। ये गोलवलकर ने ही कहा है, पीछे इसको वीडियो आप सुन सकते हैं। आखिरी हेडिंग आती है राष्ट्रीय एकता की आधारशिला। इसमें कहते हैं कि आजकल हम नेताओं के जो भाषण सुन रहे हैं वो राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, ये कौन सी राष्ट्रीय एकता है, किस आधार पर यह राष्ट्रीय एकता बनाई जा रही है। इसमें वो कहते हैं सबसे पहला बात यह है कि हमने अनंत काल से हमने इस भूमि को अपना पवित्र मातृभूमि माना है, इससे ज्वलंत शक्ति भावना का प्रदर्शन क्या हो सकता है। दूसरा है सहचार एवं भ्रातृत्व की भावना, जिसका जन्म इस अनुभूति के साथ होता है कि वे सभी इस एक ही माता के पुत्र हैं। तीसरा है राष्ट्रीय जीवन की समान धारा की उत्कट चेतना, जो समान संस्कृति एवं समान पैतृक दाय, समान इतिहास, समान परंपराओं, समान आदर्शों एवं समान आकांक्षाओं से उत्पन्न हुई है। जीवन के मूल्यों की यह त्रिगुणात्मक मूर्ति एक शब्द में हिंदू राष्ट्रीयता है, जो इस हिंदू राष्ट्र के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का आधार बनती है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। साथियों, ये आधार बताते हैं गोलवलकर। और मैं आपको याद के लिए फिर से बोल देता हूँ, जो विकास क्रम मैंने पहले समझाया था आपको, असल में विकास क्रम का जो गति है, विकास क्रम की जो पद्धति है, विकास क्रम से जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उसको हम नकार नहीं सकते। वो विकास क्रम के हिसाब से जो आगे का समाज बनेगा वही सही समाज होगा। विकास क्रम के पीछे के समाज को किसी भी तरीके से आज हम उस व्यवस्था को जस्टिफाई नहीं कर सकते। विकास क्रम के हिसाब से वो व्यवस्था आज पैदा नहीं हो सकती। इसलिए ये सारे तर्क देने के बाद भी सावरकर जो हिंदू राष्ट्र के लिए तर्क दे रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र का तर्क संगत नहीं है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और पहले भी मैं इसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। तो साथियों, अब इस वीडियो को, इस अध्याय को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे निवेदन ये करते हैं कि इस वीडियो के आगे के जितने भी अध्याय हैं, सारे अध्यायों के वीडियो विचार नवनीत के जरूर सुने समय निकाल करके। और उसके आगे हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, जो गोलवलकर की ही किताब है, उसके वीडियो हैं, उनको भी जरूर सुने, सारे वीडियो सुने। और उसके पहले हिंदुत्व की थ्योरी है जो सावरकर ने दी है, उसके वीडियो भी, सारे वीडियो जरूर सुने। यदि आप इतना सारा को सुन लोगे तो आप इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसमें दर्शन सीरीज का फोल्डर है जो इसी सीरीज का है, उसमें ऋग्वेदिक काल से वीडियो है, मनुस्मृति भी कवर है, सारे दर्शन कवर हैं, सारा इतिहास कवर है। तो ये सारी चीज़ों को जरूर सुने, ये मेरा आपसे निवेदन। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुने, ताकि जो भी वीडियो आपको अच्छी लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन ये है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें आपको तो आप उस वीडियो को सुन सकें और सुनने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस अध्याय को हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नए अध्याय में फिर मिलेंगे और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।